स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी जानकारी लेके आया हूँ। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि एक अच्छी खबर, जी हाँ, और एक बुरी खबर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। लॉकडाउन के बाद आर्मी रैली को लेकर ये न्यूज़ है, ठीक है, ये ऑफिशियल न्यूज़ है। वो मैं आपको हर चीज़ एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा आप जिस भी राज्य के हैं उसकी रैली कब होगी, कब तक आपका एडमिट कार्ड आएगा, सब कुछ बताऊंगा। साथ ही साथ आप लोग ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि जितनी भी फैक या मतलब बकवास न्यूज़ होती है जिसका ब्रेकिंग न्यूज़ का पोस्टर बना रहता है, आप लोग उस पर विश्वास कर लेते हो, लेकिन जो हकीकत होती है आप लोग उसे एंड तक नहीं देखते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सिर्फ आप मुझे 2 से 3 मिनट देंगे तो मैं आर्मी की ऑफिशियल आपको नोटिफिकेशन पढ़ाऊंगा और ये बताऊंगा कि कब तक सभी रैलियों की डेट आएगी और कब तक रैली होगी। साथ ही साथ यदि दिल्ली वगैरह की जो अक्टूबर वगैरह में डेट आई है वो भी डेट फिक्स नहीं है, तो जो हकीकत है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ये बता देता हूं, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि ज्वाइन इंडियन आर्मी की हर एक न्यूज आपको सही मिले, जब भी आप अपने मोबाइल में इंटरनेट करें आर्मी की हर एक न्यूज ऑफिशियल न्यूज जो होती है ऑफिशियल साइट से हम सबसे पहले सही देते हैं। जी हाँ, और सबसे पहले ये बता दें, यदि आप भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो के नीचे। अपने हाथों को थोड़ा कष्ट देकर यदि आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं कि हर टाइम आपको सही जानकारी मिले कि कब रैली आती है, कब एडमिट कार्ड आता है, लॉकडाउन के बाद क्या नियम बदलेगा, क्या लड़कों को एक साथ दौड़ाया जाएगा या 10 लड़कों को करके दौड़ाया जाएगा या 20-20 लड़कों को करके दौड़ाया जाएगा, तो सारी जानकारी हम देंगे। और उससे पहले बताएंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में बेल आइकॉन है दबा लो, और ज्वाइन इंडियन आर्मी का ये चैनल है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप करके सारा डाउट आपका क्लियर कर देंगे। सबसे पहले ये बता देते हैं कि जितने भी लड़के बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ की रैली देखते हैं या इस समय भर रखे हैं, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड की रांची की हो गई, कर्नाटक की होगी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, देहरादून जो था, और वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली अलग था, हरियाणा एनसीआर अलग है, तो इन सब की जो रैली है उनका एडमिट कार्ड कब तक आएगा। कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं कि 5-6 राज्य का रैली का डेट आ गया है जो अक्टूबर के आसपास गया है, तो अभी आप उस पर भरोसा मत कीजिए, जो हकीकत है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो प्लीज मुझे 2 से 3 मिनट का समय दीजिए कि मैं अपने बातों को पूरा कर सकूं, ठीक है। सबसे पहले ये भी एक ज़रूरी बात है कि मैं आज ये भी एक बात बताऊंगा कि आप अपने से भी चेक कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जी हाँ, जितनी भी ये ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं वो बकवास होती हैं, उन पे ज़्यादातर ध्यान मत दीजिएगा कि आ गई ब्रेकिंग न्यूज़, तो ऐसा कुछ नहीं है। और साथ ही में आप जैसा कि जानते हैं लॉकडाउन को लेकर, लॉकडाउन पहले कुछ दिन के लिए बढ़ा, फिर कुछ दिन के लिए बढ़ा, फिर कुछ दिन के लिए बढ़ा, फिर आज चौथा लॉकडाउन का भी ऐलान हो गया है 2 हफ्तों के लिए, ठीक। तो इसी तरह लगातार बढ़ता जा रहा है, जहाँ कि आप महाराष्ट्र की, गुजरात की, दिल्ली की, यहां की, जहां तक आप देख रहे हैं यहां पे पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। तो मैं वायरल इसके बारे में तो नहीं बताऊंगा कि ये कोरोना वायरस का क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आर्मी रैली के बारे में बताऊंगा। तो इसको लेकर आज मैं आपका डाउट सारा क्लियर कर दूंगा, कब तक एडमिट कार्ड आएगा, कब तक इसकी रैली होगी। जितने भी लड़कों का यहां का फॉर्म भरा जा चुका है, जिनका भी एडमिट कार्ड आया था वो तो रद्द हो गया, अब दोबारा नया एडमिट कार्ड आएगा। साथ ही साथ जिनका एडमिट कार्ड अब तक नहीं आया है उनका कब तक आएगा, तो सबसे ये बता दूं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो आ जाएगा, ठीक। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद ओरिजिनल आता है, रोल नंबर जनरेट होने के बाद, वो आप सभी लोगों का आएगा। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमारा फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, हमें दोबारा नया रजिस्ट्रेशन करना होगा या हमें दोबारा अप्लाई करना होगा, तो ये नहीं होगा। एक बार आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है तो आपका वैसे ही रहेगा। और कुछ लड़के ये सोच रहे हैं कि हमारा एज एक्सपायर हो जाएगा, यदि रैली नहीं हुई तो हमारा उम्र बीत जाएगा, हम दोबारा जीडी की भर्ती नहीं देख पाएंगे, तो उनके लिए भी ये स्पेशली वीडियो है। उनके लिए हो सके तो हमारी गवर्नमेंट इस पर भी विचार की जा रही है कि जितना भी लॉकडाउन के कारण लड़कों का एज खराब हो रहा है उनके लिए भी थोड़ा सा बढ़ाकर छूट दिया जाए। और ये सारी ऑफिशियल जानकारी सबसे गुप्त और सच्ची जानकारी हम देते हैं, उसके लिए प्लीज हमसे ज्वाइन हो जाइए, ताकि हम में जितने लड़के ज्वाइन होंगे उतनी ज्यादा हम भी प्रयास करेंगे कि सबसे अच्छी जानकारी दी जाए। तो चलिए सबसे पहले आर्मी के साइट पर चलते हैं और बताते हैं नोटिफिकेशनों के बारे में और आप कैसे खुद से पता कर सकते हैं बिना किसी अफवाह के। जैसे कि ये जानते हैं कि ज्वाइन इंडियन आर्मी का ये ऑफिशियल चैनल है, सभी लड़कों को जानते हैं कि ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के बारे में इस पे बताता हूं मैं। तो ये आर्मी की साइट है ऑफिशियल, ये तो आप जानते हैं, ये तो झूठा नहीं हो सकता है। और यहां पे देख रहे हैं कि जो ऑफिसर वालों में लड़कों ने दे रखा है COVID-19 के कारण अभी तक रोका गया है और कब तक रोका जाएगा इसमें यह भी नोटिस है। सबसे पहले ये बता दूं कि जितनी ये रैलियां चल रही हैं यहां पे आप हेडलाइन में देख सकते हैं, ये हेडलाइन आपकी जेसीयू वाले के लिए होती है, जो जीडी क्लर्क ट्रेडमैन के लड़के देख रहे हैं उनसे संबंधित ये है।
है रैली प्रोग्राम के बारे में। और यहाँ पे ऑफिसर एंट्री वालों के लिए था मेडिकल वगैरह टेस्ट। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले व्यू आल का ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, व्यू आल का ऑप्शन कॉर्नर में देख सकते हैं। चलिए व्यू ऑल पे हम लोग क्लिक करेंगे और देखेंगे नोटिफिकेशन की सूचना जो क्या चल रही है इस समय। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी ये नोटिफिकेशन आ रही है, घुमरा रैली यहाँ की हो गई, मतलब फ्रेश डेट विल बी अवेलेबल। यहाँ पे एक बात आप नोटिस कीजिएगा, कितने लड़के होते हैं जो नोटिफिकेशन ध्यान से बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, उन्हें ऑड लगता है। कुछ लड़कों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, कुछ लड़के कहते हैं कि अरे यार क्या काम जा, मैं किसी से चलो पूछ लेता हूँ। तो देखो यार, आप थोड़े पढ़े लिखे हो तो खुद समझ सकते हो कि नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो ये जो दार्जिलिंग वाली रिक्वायरमेंट रैली थी, इसी के बारे में बताया गया है। जो वेस्ट बंगाल, गोरख, जितनी भी ये होने वाली थी, इनका जो ये डेट मई में पड़ा था, उनका कहा जा रहा है कि विल बी हैज बी पोस्टपोन्ड, मतलब बढ़ा दी जाएंगी। और फ्रेश जो डेट है वो विल का मतलब क्या होता है, विल का मतलब होता है कि होगा। विल का मतलब या शैल का मतलब होगा, और कब होगा, फ्यूचर में होगा। और फ्यूचर कब है, ये फ्यूचर 2020 चल रहा है हमारा, जो 2000 हमारा 20 चल रहा है वो लास्ट चल रहा है। ये आपका पांचवा या छठवां महीना हो चुका है और लॉकडाउन को आप देख रहे हैं। तो सभी मतलब ये संभावना आर्मी वालों ने संतुष्टि देने के लिए लड़कों को बोला है अक्टूबर तक कुछ रैली का डेट उन्होंने शो किया है। तो आप ये मत सोचिए कि अक्टूबर तक होगा, क्योंकि जो डेट इन्होंने पहले भी दिया है उसे भी तो रद्द कर दिया है। तो जरूरी थोड़ी ना है कि अक्टूबर वाली रैली को ये लोग रद्द नहीं करेंगे। तो ये कह रहा कि हम आपको नोटिफिकेशन देते रहेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, विल बी नोटिफाइड, यदि रैली की डेट 2021 में जा रही है, 2021 में जा रही है, तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट भी है और एक बुरी न्यूज़ भी है। मैंने शुरू में ही बताया था कि एक अच्छी न्यूज़ बताऊंगा और एक बुरी न्यूज़ बताऊंगा। तो अच्छी न्यूज़ यही थी कि आप लोगों को थोड़ा टाइम मिल जाएगा अपनी तैयारी करने के लिए, और जिनकी भी एज की प्रॉब्लम है उसमें भी कुछ सुधार मतलब छूट दिया जाएगा। और बुरी न्यूज़ ये थी कि सभी रैलियों को अभी रद्द कर दिया गया, क्योंकि कोरोना वायरस था। तो सभी लड़कों का मन में थोड़ा सा वो नहीं होता है, जैसे आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा हो गया आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे आपने जैसा कि देखा कि मैंने ये बताया कि जितनी भी ये रैलियाँ थी उनका क्या हुआ है और एग्ज़ाम का क्या हुआ है। तो कितने लड़कों का डाउट है कि मेरी रैली कब होगी, मेरी रैली कब होगी, मेरा एग्ज़ाम कब होगा, मेरा मेडिकल कब होगा। तो आप लोग आइए ना यहाँ पे, आराम से अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम पढ़िए, अपने रैली का सेंटर का नाम पढ़िए और आराम से अपनी नोटिफिकेशन यहाँ से क्लिक करके पढ़ सकते हैं। जैसे ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये नोटिफिकेशन तुरंत मेरे मोबाइल में यहाँ पे खुल जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन पूरी खुल गई और इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और ऐसे ही एक आध और रैली है तो उनकी नोटिफिकेशन ऐसे खुलेगी यदि आप क्लिक करेंगे। तो जैसे कि कितने लड़कों का कमेंट आ रहा था कि हम दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं, रांची से हैं, तो यहाँ की रैलियाँ कब होंगी। तो सभी को ले जाके पटक दिया गया है अक्टूबर में, अक्टूबर यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 2020 जो है इसका लास्ट साल में ले जाके पटक दिया गया है। तो इसका मतलब साफ है कि आप सभी की रैली 2021 में ही अब होगी, आप ये लिख कर रख लो। अगर मेरी बात आपको झूठ लगती है तो आप देख लीजिएगा, और क्या, इसमें कहने वाली कौन सी बात है, आपके सामने सब कुछ है। और एडमिट कार्ड आपका जो भी आएगा बता दिया जाएगा। ये रैली वेन्यू जो था वो किसका था, दिल्ली का था, फिरोजाबाद का था, अनुराग का था, मेवाड़ का था, नूह का था। और ये इसी तरह सभी रैलियों का आएगा। इसका तो होने वाला था बड़ा जल्द ही, इसका तो इसी 2 महीने बाद होने वाला था, लेकिन इसका जब अक्टूबर में चला गया तो सभी रैलियों का यही संभावना लगा जा रहा है कि आपको ले जाके 2021 में पटकेगा। और कुछ लड़कों का ये भी कहना है, ये जो 3 साल वाली आ रही है, जो 3 साल वाली रैली है, ये जो 3 साल वाली रैली है उसका क्या फंडा है। तो हमारी गवर्नमेंट दिल्ली सरकार, दिल्ली के यहां से लागू हुआ है कि 3 साल के लिए आर्मी में सभी 30 लाख लड़कों को मौका दिया जाएगा देश की सेवा करने के लिए। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इस रैली का वो सेम प्रोसेस है, आप ये मत सोचिएगा ये डायरेक्ट आपको बिना पढ़े लिखे, बिना आपको दौड़ निकाले 30 लाख लड़कों को भर्ती ले लिया जाएगा, गलत फहमी है। उसी तरह दौड़ाया जाएगा, उसी तरह एग्ज़ाम होगा, उसी तरह सब कुछ होगा, और दौड़ाने समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होगा, कम लड़कों को छोड़ा जाएगा, ठीक है, सेंटर पर ज़्यादा भीड़ नहीं लगाई जाएगी, डेट की गैपिंग कर दी जाएगी, और एक दिन में भले 4 बार दौड़ाया जाएगा लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। अगर आपको यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो
मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और साथ ही साथ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चाहते हैं यदि आपको हर एक खबर बिल्कुल डिट्टो सही मिले आर्मी की साइट से और आर्मी की नोटिफिकेशन से, तो यहाँ पे आर्मी की जो ये वेबसाइट है, साथ ही साथ डिट्टो सारी आपको न्यूज़ A to Z ओरिजिनल हम देते हैं। मेरा नाम था राकेश यादव, जो मैं यूट्यूब पे ज्वाइन इंडियन आर्मी का चैनल हैंडल करता हूँ। हमारी टीम भी है जो पढ़ाती भी है यूट्यूब पर। तो वीडियो के नीचे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिए उसमें क्या कुछ